हेलो गाइस, सो वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो में होता क्या है कि यार हमारी भाई गलती से लग जाती है कॉन्करर लॉबी, और भाई ये मैच लास्ट तक जाते जाते इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। खैर फिलहाल के लिए आप मतलब ये देख सकते हो कि जितने भी आरपी वाले सबकी 100 आरपी है भाई, और ये जो टॉप आरपी वाला बंदा है ना इससे भी हमारे पंगे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे वाले पंगे होंगे। तो आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छे लगे तो यार जरूर से एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना। और फिलहाल की बात करें तो इस वाले गेम प्ले की शुरुआत होती है अपने जॉर्जो पोल से, और मैं जा रहा हूं यहां पर अपने टीममेट्स के साथ जॉर्जो पोल। अब जॉर्जो पोल में हम चारों के अलावा दो स्क्वाड्स और आ रखी थी, और भाई देखो आगे क्या होता है। अरे पता है अलग प्यारे कितना हार्ड था भाई, टीएच 9 करना भी इतना मुश्किल था ना भाई। अब यहाँ पे यार हम उतरते हैं इन वेयर हाउस वाले कंटेनर्स पे। अब उतरते ही मेरे को डीपी मिल जाती है प्लस ग्रेनेड मिल जाता है। अब हेलमेट वेस्ट भी मिल चुका था, गन भी मिल चुकी थी, तो ये टाइम था रश करने का। अब इसके बाद तभी मेरे को आवाज आती, ठीक सामने वाला ये जो वेयर हाउस है ना इसमें बंदे हैं। तो भाई मैं सीधा अपनी डीपी और शॉट कर लेता हूँ और भाई रश कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आया तभी एक बंदे के पैरों की आवाज आती है वेयर हाउस के अंदर से। अब इसको नॉक करती, देखो भाई आगे भाई उधर वाले गया सब वेयर हाउस में। मास्टर भाई 1v4, कम ऑन मास्टर भाई। अब यहाँ पे यार मैं 1v3 कर देता हूँ, लेकिन इस वाले स्क्वाड का लास्ट वाला बंदा पता नहीं कहाँ चला गया था। मतलब हम उसको काफी ज्यादा ढूंढते हैं, पर शायद भाई वो डर के मारे यहाँ से 9-11 हो जाता है। अब यहाँ पे यार हमने एक स्क्वाड को तो मार दिया था, लेकिन अभी भी भाई एक स्क्वाड बाकी थी। अब इस वाली स्कोर के बंदे जो थे ना भाई, वो यहाँ पर एक कीड़े पे हत्याचार कर रहे थे। हत्याचार मतलब जो भी होता है कुछ तो कर रहे थे। अब जैसे ही मैं कीड़े के लिए लड़ने आता हूँ तभी मतलब आप डीसिंग देख रहे हो कितने ज्यादा गंदे लेवल वाली हुई यहाँ पे। मैं बिल्कुल कवर में खड़ा था भाई, फिर भी नॉक हो जाता हूँ पता नहीं कैसे। खैर यहाँ पे यार रोहित मेरे को फटाफट रिवाइव देता है, और इतने में पता नहीं एक स्कोर कहाँ से आ जाती है। रोहित हरामजादे बंदे हैं उधर, और मेरे भाई यहाँ पर ये मेरे टीममेट को मतलब रोहित को फिनिश करने वाले थे, लेकिन सही टाइम पे आके मैं उसको बचा लेता हूँ। और यहाँ पे अभी रोहित ने मेरे को रिवाइव दिया था, मैंने रोहित को रिवाइव दे दिया, मतलब हिसाब बराबर हो गया हमारा। खैर अब इसके बाद यहाँ से मैं बाकी उठाता हूँ, और सीधा इसके बाद हम आ जाते हैं भाई रोजोक। अब रोजोक के यहाँ से मैं जैसे ही जा रहा था तभी मैं देखता हूँ कि इस पेड़ पे एक बंदा खड़ा है। अब सबसे पहले यार मैंने गाड़ी को कवर में रोका। अब जहाँ पे रहती है पूरी की पूरी स्क्वाड। अब जैसे ही मैं इस वाले बंदे की तरफ आगे बढ़ा था तभी मेरे को राइट हैंड साइड से गन की साउंड आती है। अब जैसे ही रश करता हूँ तभी सामने एक बंदा। और मेरे भाई कभी कभी एम असिस्ट ऑन करने का नुकसान भी हो जाता है। अब जैसे कि यार यहाँ पर मैं पीछे वाले बंदे को मार रहा था, लेकिन एम असिस्ट की वजह से दूसरे बंदे को गोलियां लगने लग जाती है। खैर यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब लो भी हो चुका था, तो सबसे पहले मैं टीममेट से फर्स्ट एड लेता हूँ। अब ये नोक बंदा था एंड इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और अब बचा था इस वाले स्क्वाड का लास्ट वाला बंदा, तो मैं सीधा सामने की तरफ रश करने लगता हूँ। और मेरे भाई कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये बोट था या रियल बंदा। मतलब मेरे को तो ये रियल बंदा लग रहा था। खैर जो भी था यहाँ पे तो यार मैं कभी बाल बाल बचा, बिकॉज मेरी जो M4 थी ना भाई कितने गलत टाइम पे उसकी एमओ मतलब खाली खत्म हो जाती है। लेकिन जो भी था गन चेंज करके मैं उस बंदे को इजीली मार देता हूँ। अब यहाँ पे दो बोट को मारने के बाद भाई मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब रिसेंट में राधे मूवी देखी है, तो मतलब सैलमन भाई की मूवी देखी है, तो ड्राइविंग थोड़ी अच्छी होगी है मेरी। तो यहाँ पे इसको मैं ड्राइविंग से मारता हूँ, एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर गॉडज़िला की पूछ के साथ खेलने। अब आए तो हम पूछ के साथ खेलने थे, लेकिन चार बंदे पता नहीं कहाँ से हमारे साथ खेलने आ जाते हैं।
अब यहाँ पे इस टॉप आरपी वाले बंदे की स्कोर थी एंड भाई ये मेरे एक टीममेट को फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद मैं सीधा इन पे ओपन से रश कर रहा था। मैं एक अंडर के पीछे ही और मेरे भाई ये रहा टॉप आरपी वाला बंदा। और मेरे को लगा था ना उसको मारने के साथ कि इस वाले स्क्वाड का लास्ट वाला बंदा यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से निकलता है एकदम से। अब एक बार को तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ लेकिन फिर एंड में इसको इजीली मार देता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि यार हम जोन के बाहर थे और तभी एक स्क्वाड आके सामने की तरफ से हमारा जोन ब्लॉक कर लेती है। अब मेरे दोनों टीममेट्स तो निकल जाते हैं लेकिन मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ हेडशॉट। अब जैसे इसको हेडशॉट किया मैं तुरंत जोन में निकलने लगता हूँ और तभी रोहित मेरे को कवर भी देता है। खैर जो भी था यहाँ पर भाई इन बंदों की स्नाइपिंग जो थी भाई काफी ज्यादा सही थी, मतलब मेरी हेल्थ देखो। जो भी था गिरते पड़ते फर्स्ट एड वगैरह लगाते किसी तरह हम जोन में पहुंचते हैं और इतने में टीममेट भाई गाड़ी ले आती है तो हम भाई फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और इसके बाद सीधा निकलते हैं जोन में। अब जो भी था एक जोन हम होल्ड करते हैं बिकॉज हमारे पास ज्यादा मतलब एमओ भी नहीं थी प्लस हील भी नहीं थी, दैट्स व्हाई। और इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट सर्कल में। अब जहाँ पे 24 बंदे हैं हमारे चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या हम इस वाले मैच को सर्वाइव करके चिकन डिनर निकाल पाते हैं या नहीं। अब इसके बाद सामने से तगड़ी वाली फायरिंग हो रही थी और तभी मेरे को सामने एक बंदा प्रोन हुआ दिख जाता है और मेरे भाई यहाँ पर मैं सीधा एक बॉडी शॉट मारता हूँ और डायरेक्ट मेरे को इसका किल मिल जाता है। खैर जो भी था मुसीबत अभी टली नहीं थी क्योंकि सामने अभी भी और बंदे बाकी थे। अब मेरे को लग रहा था कि सामने वाले स्क्वाड हाउस में भी बंदे हैं, इसलिए मैं रोहित को बोलता हूँ कि उस वाले स्क्वाड हाउस पे भी नजर रखे। खैर जो भी था तभी मेरे को सामने वाले डासिया पे एक बंदा दिखता है। अब इसको मैं बॉडी शॉट पे मारता हूँ और तभी कोई इसको नॉक कर देता है। अब इसके बाद मैं उसको मतलब कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो इतने में कवर में जा चुका था और तभी मेरे को सामने देखते हैं ये बंदे। अब इन बंदों के पास भाई लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, AWM, ग्रोजा गिली सूट, मतलब सब कुछ था और कुछ ही देर में इनकी और हमारी भसड़ होने वाली है। खैर अब इतने में मेरे को सामने एक और बंदा दिखता है और इसको मैं हेड मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन लग जाती है बॉडी। खैर इतने में इसको कोई और ही नॉक कर देता है और उसका मैं किल चुरा लेता हूँ। अब सही मायने में यार देखो ये किल चोरी नहीं थी, मतलब असलियत में तो यार वो मेरा ही किल था क्योंकि मैंने पहले उसको मारा था। अब जो भी था ये बंदा भी मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि इस मैच में सभी बंदों के पास AWM कहाँ से आई, जिसको देखो वो AWM चला रहा था। अब इसके बाद जैसे ही मैंने उस वाले बंदे को बॉडी शॉट दिया वो चला जाता है कवर में और तभी हमको इस पीछे की साइड से ही पड़ने लगती है। अब पीछे की साइड से भी पड़ रही है प्लस उन गीली सूट वाले बंदों ने जिनके पास AWM प्लस M249 थी वो भी हम पे रस कर देते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा सैंडविच हो चुका था और बचने के चांस बिल्कुल जीरो थे। अब जहाँ पे जैसे रोहित ने एक बंदे को नॉक किया मैं सीधा रस ऊपर पहाड़ी पे अब मुझे लगा था कि ये सारे स्क्वाड वाले बंदे सामने की तरफ ही होंगे लेकिन इतने में एक बंदा फ्लैंक करके आ जाता है जो कि मेरे को नॉक कर देता है। खैर अब यहाँ पर यार मैं बाल बाल बचता हूँ, जोन भी आ चुका था। अच्छा हुआ यार मैं जोन के ज्यादा बाहर नहीं था वरना जोन से ही मर जाता। अब इसके बाद मेरे टीममेट्स मेरे को रिवाइव देते हैं और जैसे मैं इधर आता हूँ तभी मेरे को सामने वाले पेड़ पे एक बंदा प्रोन हुआ दिख जाता है। अब इसका हेड नहीं दिख रहा था इसलिए यार मैं इसको बॉडी शॉट मारता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको नॉक कर देता हूँ लेकिन इसका किल मेरे को कभी कंफर्म ही नहीं होता, मतलब ये वाला किल जो होता है वो चोरी हो जाता है। अब इसके बाद हमें जोन में जाना था लेकिन दो स्क्वाड हमारा जोन ब्लॉक करके बैठी थी। अब 6 सेकंड में ही जोन आने वाला था तो मैं चाहकर भी अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दे सकता था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि सीधा गाड़ी लेता हूँ और सीधा जोन में निकलता हूँ। अब इसके बाद मैं गाड़ी को यहाँ पे रोकता हूँ और सीधा प्रोन हो जाता हूँ क्योंकि हो सकता है यार बंदे पीछे की तरफ भी हों। अब सामने की तरफ से काफी ज्यादा फायरिंग हो रही थी इसलिए यार मैं सबसे पहले पीछे की तरफ स्मोक करता हूँ एंड देन इसके बाद सामने वाले बंदों को मारता हूँ।
अब इस वाले बंदे को मारते ही हमारे अलावा एक बंदा और अलाइव बचा था जो कि पानी में कूद चुका था। और इस एक बंदे को मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो देखो मेरे भाई कैसे करते हैं हम विनर विनर चिकन डिनर। एंड मेरे भाई इसी के साथ हो जाता है यार अपना विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस कैसे लगा यार आपका आज का ये वाला गेम प्ले? अच्छा लगा तो यार जरूर से एक लाइक करते जाना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना, क्योंकि गाइस इस चैनल पे यार इसी तरीके की तगड़ी गेम प्ले वीडियोस आते रहते हैं। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे यार मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं, मतलब स्टोरी वगैरह डालता रहता हूं, और बातचीत वगैरह करनी हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस मैं मिलता हूं आप सभी को ऐसे ही एक और न्यू धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। Peace.